हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राम राम सबको। और ये सुबह सुबह सब्जी लेने आए हुए हम लोग। तो ये रेखा सब्जी निकाल रही है खेत से, मैं देख रहा हूँ उसको। तो अभी ये चोली की सब्जी बनाने का प्लान लग रहा है आज इनका। तो ये खेत से चोली निकाल रही है, तो ये अभी तोड़ रही है फ्रेश फ्रेश। ये तो हमने काफ़ी दिनों से निकाला नहीं, इसलिए पक भी गई है कुछ कुछ, तो बड़ी बड़ी हो गई है। कभी तो 2-3 दिन से भिंडी खा रहे थे हम लोग, तो आज ध्यान में आया कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा लग गई है, पक भी गई है, ये बाल्टी भर गई है। 2-3 टाइप की सब्जी हमने लगा रखी है यहाँ पर, तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी मिल जाती है अलग अलग टाइप की। तो ये अभी 3-4 दिन से नहीं हमने लिया था, तो ये पक गई है बाल्टी में पूरी। बाल्टी भी भर गई, 2-3 दिन चलेगा इतना हो गया ये। तो थैंक यू। तो आज ये बीन्स की सब्जी बनाएंगे, और ये हमारी भिंडी की सब्जी है। इसमें तो कल ही हमने तोड़ लिया था, इसलिए इसमें अभी कोई भिंडी नहीं है। इस बार गवार ठीक नहीं हुए, एक बार वो नीलगाय खा गई, इसलिए गवार ठीक से हुआ नहीं इस बार। बाकी भिंडी और बीन्स तो बहुत अच्छे हुए अभी, सर बढ़वाने। तो अभी वहाँ से भैंस बुला रही है, उसको सूखा चारा दे के आए थे, तो हरा चारा अभी काट के देना पड़ेगा उनको। तो अभी आए थे खेत में वैसे घास काटने के लिए, साथ में सब्जी भी ले लिया। दो काम हो जाते हैं इधर ही, हमारा भैंसों के लिए चारा भी इधर ही है। तो अभी चारा भी लेके जाएंगे, सब्जी भी लेके जाएंगे। तो अभी सब्जी निकालने के बाद ये हरा घास काट रहे हम लोग, तो ये भी लेके जाएंगे अभी साथ साथ में सब्जी के साथ। तो ये भैंसों को दे देंगे, तो वो भी खाते रहेंगे अपना आराम से। चीकू के नीचे ऐसे झुक झुक के काट रही है अभी। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अभी सुबह सुबह से ही इतनी तेज़ धूप है। तो देखते हैं 8-9 बजे तक जो भी काम होता है कर लेते हैं, फिर बाकी घर बैठ के जो भी काम है अभी वो भी करेंगे। लेकिन धूप में काम नहीं कर सकते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी। तो देखते हैं जितना काम होता है उतना करते हैं, नहीं तो रेस्ट करेंगे फिर। ये इनका काम तो चल ही रहा है अभी। तो 2 भैंस है, एक पाड़ा है हमारे पास, 3 के लिए लेके जाना पड़ेगा। पाड़ा को बेचना है, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रहा। तो अभी ये चीकू देख रही है दबा दबा के। बहुत चीकू खाए इस साल इसने, अभी भी चीकू लगे हुए है, ख़त्म तो नहीं हुए है, लेकिन कम हो गया अभी। जो बीच में सीजन में जैसे पक रहे थे डेली 10-15 10-15, वैसे अभी नहीं है, कम हो गए अभी। तो आज हमारा काम चल रहा है ये गेहूं को मोने का। इसमें डीवेल डाल के ये गेहूं को मोयन कर रहे हैं हम लोग आज, और पूरे साल के लिए अब गेहूं भर देंगे। ये डीवेल डाल के ऐसे करने से गेहूं पूरा साल ऐसे ही रहता है, कोई कीड़े मकोड़े भी इसमें नहीं पड़ते हैं। इसलिए अभी आज इसको मोने का काम चल रहा है। तो रेखा ने ये गेहूं साफ करके रखा हुआ था 3-4 बोरी, तो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो सोचा छाव छाव में ये काम करते हैं। बाहर तो बहुत तेज़ धूप है,
बाहर का अभी कोई काम बचा भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो आज सोचा इसी को कर लेते हैं। तो ये दो रखे हुए हैं, इसमें हमने भरना है पिपड़े। इसमें थोड़ा सा दाल भी दिया है ऐसे करके, तो अभी ऐसे कर करके पूरे गेहूं को हम मो देंगे और मो के एक साल के लिए इसको रख देंगे। तो जब भी आटा पिसवाना है तो इसमें से निकाल के हम ले जाते हैं, साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी साफ है। बस ऐसे इसको तेल लगा के ऐसे अच्छे से रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है इसको। हो गया। तो अभी गेहूं बोने का काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो दोनों के दोनों, क्या बोलते, पिपड़े ये दोनों के दोनों हमने भर दिए हैं। अभी ये हमारा पूरे साल के लिए हो गया, पूरा साल चल जाएगा इतना गेहूं है वो। तो अभी रेखा ने पूरा मुंह दिया, हमने पूरा इसमें भर दिया। और ये अभी जो पहले के पुराने गेहूं थे वो अभी इतने बच गए, इसमें इसी में से निकाले थे हमने, तो इनको निकाल के अभी ये नया फ्रेश हमने भर के रेडी कर दिया है। बंद करवाने हैं? हाँ, तो अभी इसको कर देते हैं बंद। अभी जब भी आटा खत्म हो जाता है तो यहीं से गेहूं निकाल के पिसवाते रहेंगे। ये कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ थोड़ी साफ सफाई चल रही है, गेहूं थोड़े बहुत गिरे होंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग गेहूं कैसे रखते हो ऐसे तेल से उसको। तो अभी चने की दाल की बारी है। ये भी हमने एक दिन चने की दाल बनाई थी, इसको भी थोड़ा सा मुंह के रख लेते हैं। तो ये भी अच्छे से रहेगी, ये तो इन सब में कीड़े वगैरह बहुत जल्दी से पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं करने से ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए अभी है चने की दाल को भी पॉलिश करके रख लेते हैं। ये बहुत अच्छी हो गई अभी। आज तो खाने की आइटम पूरी मेंटेन हो रही है आज। इतना ही है चने का दाल है और नहीं। तो ये चने की दाल हमारे पास अभी इतनी है, बांटते बांटते इतनी रह गई है अभी तो ये चल जाएगा कुछ 5-6 महीना। हम तो इतने तो ये भी काफ़ी दिन चल जाएगी अभी। तो ऐसे करके रखने से इसको कुछ होगा नहीं, जितना भी दिन रहे। अभी बारिश के मौसम में भेज वगैरह भी नहीं लगेगा इसको ऐसे कर देने से। तो आज घर का ही काम था, बाहर तो धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए बाहर गए नहीं आज, कुछ काम नहीं है बाहर, तो सोचा घर का ही काम कर लेते हैं।